हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का है टॉपिक। और इसमें हम एसएससी सीएचएसएल 2020 का जो पेपर है ना, और वो कंडक्ट हुआ था 21 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल। और हम इसमें रीजनिंग पोर्शन को कवर करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। और कौन से शिफ्ट में हुआ था? सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग पोर्शन को, ठीक है? देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकते हैं। क्वेश्चन मार्क ये वाला, इसके बारे में पूछ रहे हैं। अब देखो भाई, यहाँ से ऐसे गया, कौन से साइड में? क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज टू आ जाते हैं वापस, फिर क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के अनुरूप, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के प्रतिरूप, और एक एक बढ़ता जा रहा है, प्लस होता जा रहा है, एक प्लस हो रहा है, प्लस वन, फिर प्लस वन, क्लॉकवाइज प्लस वन हुआ, दो थे तो यहाँ पे तीन हो गया, यहाँ एक था तो दो, फिर तीन, फिर एंटी क्लॉकवाइज प्लस वन हुआ, तो भाई यहाँ तीन थे तो चार हो गया यहाँ पे। अब क्लॉकवाइज प्लस वन हुआ। अब देखो भाई, पहले ही ऑप्शन में, और कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए था? क्लॉकवाइज। पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया, पहला ही ठीक हो गया। दूसरा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे टू दे रखा है, इसलिए ये गलत है। और तीसरा क्यों गलत है? एक दो तीन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, लेकिन क्लॉकवाइज चाहिए, घड़ी की दिशा के अनुरूप चाहिए, प्रतिरूप नहीं चाहिए। फोर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ज्वाइन कर रखा है, ज्वाइन तो होना ही नहीं है, इसलिए ये चार गलत है। अब अगले वाले प्रश्न पे आ जाओ। अगले वाला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, सुनिएगा क्या कह रहा है। कि जो ए प्लस बी है वो किसको डिनोट करता है? ए बी की पत्नी है, ठीक है ना, पत्नी है, तरह की तरह लग रहा है, पत्नी है भाई, ये वाइफ के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, और ऐसे ही इसमें यूज़ हो रहा है। तो हम इस वाले पोर्शन को, कौन से वाले को सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे इस टाइप के सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, पहले लास्ट से देखते हैं, जेड क्यू किस, जेड प्लस क्यू, जेड ए, यहाँ पे देखो ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, तो जेड क्यू की पत्नी है, जेड क्यू की पत्नी है, तो क्यू क्या है? पति है, ठीक है ना, क्यू पति है। अब R माइनस जेड के बारे में पता करेंगे, कौन से के बारे में पता करेंगे? R माइनस जेड के बारे में, इधर इसको इरेज कर लेता हूँ, R माइनस जेड के बारे में पता करेंगे, R और जेड का, R माइनस जेड, तो यहाँ पे माइनस का रिलेशन हमें पता है, R जेड की बेटी है, R जो है वो जेड की बेटी है, ठीक है। और अब एम आर देखेंगे, एम इंटू आर का क्या है? एम आर की बहन है, ठीक है। और अब पी डिवाइडेड एम का भाई है, मतलब क्या है? पी एम का भाई है। अब क्या कह रहा है? पी क्यू से किस प्रकार, तो भाई क्या है? बेटा है, तो कौन सा आंसर होगा? सेकंड वाला आंसर होगा। बात समझ में आ गई? अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, प्रश्न पढ़िए, पहले वीडियो पॉज करके प्रश्न पढ़िए, और फिर उसके बाद इसका आंसर खुद करने की कोशिश कीजिए, और फिर उसके बाद देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा है? पूरे वर्ष में कितने केंद्र हैं? 250 केंद्रों पर एक ऑनलाइन
प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है, ठीक है। तो कितने हैं, 250 केंद्र हैं। हम ये मेन मेन बातें ध्यान में रखते चले जाएंगे, पहले हाईलाइट यूज करते तो मैं, ताकि आपको 250 केंद्र पर हो रहे हैं, किस 250 केंद्र पर ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। प्रति केंद्र पर आवेदकों की संख्या, कैंडिडेट के औसत संख्या कितनी है, 1250 है। औसत संख्या कितनी है, 1250 है। हालांकि बाद में यह पता चला कि एक केंद्र में हमने क्या कर दिया, आवेदकों की संख्या कितनी, 1668 थी, के बजाय हमने क्या लिख दिया, 1658 की जगह पे हम 1758 गिन लिए थे, ठीक है, गलत हो गया था। तो फिर अब औसत हमें बताओ कि भाई सही वाला औसत क्या है, सही वाला औसत क्या है बच्चों। बहुत आसान है, इसको डिटेल करवा देता हूँ भाई, सबसे बेहतर है डिटेल करवा दूँ। देखो भाई, हमें पता है कुल आवेदक कितने हो जाएंगे, कुल आवेदक कितने होंगे भाई, भाई 250 सेंटर पे एग्ज़ाम है, 250 केंद्र पे एग्ज़ाम है, और औसत कितना है, 1250 मल्टीप्लाई होने के बाद 31,25,00 हो जाएगा, है ना, इतने व्यक्ति हो जाएंगे। सही वाला कितना है, अब यहाँ पे कितना है, 1658 करने थे, बट गलती से कितना हो गया, 1758। तो भाई कितने का डिफरेंस आया, कितने का, -100 का हुआ। अब इसमें से भाई 100 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 31,400, 2, 31,24,00, ये है ना, 31,24,00 इतने व्यक्ति हैं टोटल। अब मुझे कितना निकालना है, इसका औसत निकालना, औसत एवरेज निकालना, औसत निकालना, सही वाला औसत। औसत कैसे निकालेंगे, 31,24 डिवाइड कर देंगे, क्योंकि औसत क्या हमें पता है, औसत ये पता है मेरे भाई कि जितने टोटल हैं उसको नंबर ऑफ टोटल से डिवाइड कर देना है, जितने कैंडिडेट हैं। तो कितने कैंडिडेट हैं भाई, इतने कैंडिडेट कह रहा हूँ, कितने केंद्र हैं, कैंडिडेटों की संख्या, और फिर केंद्र से डिवाइड कर दो भाई, 0 का 0 पहले उड़ा दो। फिर अब 25 है, तो पहले 5 से उड़ाओ इसको भाई, 6, 2, 4, 8, यहाँ पे 5 बच गया। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 4, 9, 6, ये कौन सा हुआ, पहला ही आंसर हुआ, कौन सा वाला है, पहला वाला आंसर है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये मैथ्स का बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब आ जाओ भाई अगले प्रश्न में, क्या कह रहा है प्रश्न, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस प्रश्न को बहुत सारे बच्चों ने गलत करा है। कैसे करा है, अब ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या समूह चुने जिसकी संख्या दिए गए संख्या समूह की संख्याओं के समान ही तर्क नियम संबंध का अनुसरण नहीं करती है। क्या है ये, नहीं वाला गलत करवा दिया इसने। अब इसका थोड़ा सा देखेंगे भाई, किससे संबंध करते हैं, किससे संबंध नहीं करती है। तो देखिएगा भाई, जो 12 है ना, 12 36, 12 36, और क्या है, 12 है, 36 है, और 132 है। यहाँ पे देखिएगा, ये किससे प्रोडक्ट हो रहा है, 12 3 36, ये किससे प्रोडक्ट हो रहा है, 11 से। अब 22 को देखिएगा भाई, 22 66, 242, ये कितने से है, 3 से, और ये कितने से हो रहा है, 11 से हो रहा है, ठीक है ना। अब 19 57, 209, ये भी किससे हो रहा है, 3 से प्रोडक्ट हो रहा है, 19 3 57, और 19 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी इतना ही आ रहा है। अब देखो भाई तीसरे वाले में आ जाओ, तीसरे वाले में ये पहले ऑप्शन का है, ये पहला है, पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है,
तीसरे वाले ऑप्शन पे आ जाओ भाई। 18 है, 54 है। अगर इससे प्रोडक्ट करा हमने, 3 से 18, 3 54, अगर 11 से प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 198 आएगा, 198। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है, यहाँ पे कितना है, 96। तो यही अलग है, बाकी दो तो मिल रहे हैं, तो हमारा अलग कौन सा हुआ, ये वाला पोर्शन अलग हुआ। बात समझ में आ गई भाई? जो भी अगले वाले प्रश्न पे आ जाओ भाई। ये कौन से वाले में है, आसानी से जान लो भाई कहाँ पे है। देखो यहाँ पे फोर्थ वाले में, बिना ज़्यादा आपको दिक्कत पहुँचाए मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिएगा ये, और देन देखिएगा भाई, हाईलाइट करने की कोशिश करूँ मैं इन सारी चीज़ों को, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ है। इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ है। अगले वाले पास जो भाई, ये भी बहुत बेहतरीन है, और ये कह रहा है कि भाई ये इसमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक संबंधित है, जैसे पहला और दूसरे से संबंधित है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, बाकी ना पढ़ेंगे तब भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए एक आसानी से पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, देखिएगा भाई, एम है, ओ है, आर है और वी है। अब यहाँ पे एन है, फिर जे है, देन जी है, देन ई है। यहाँ पे देखो भाई, एम एम 13 है, यहाँ 15 है, आर आर है भाई 18 और 22, यहाँ पे एन 14, जे 10, ये 7, ई 5। यहाँ से कितना कम हुआ, 8 की 8 माइनस हो गया, यहाँ से कितना कम हुआ मेरे भाई, इसको वी से ऐसे क्रॉस वाले 8 कम हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ कितना कम हो रहा है, 8 कम हो रहा है, यहाँ कितना कम हो रहा है, 8 कम हो रहा है। हमें बात समझ में आ गई? अब अगले वाले में लॉजिक में देखेंगे, बस थोड़ा सा लॉजिक, इसके कई सारे पैटर्न बन सकते हैं, बस आपको जानने की ज़रूरत ये है कैसे बनेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऑप्शन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये इतना ही बने, 8 8 ही माइनस हो, ठीक है ना, कई सारे तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। अब देखो भाई, ऐसे क्रॉस करेंगे हम, देखो भाई यहाँ डी डी 4 है, 7 है, के 11 है, और पी पी 4 पैरेट है, पैरेट के ओ पी 16। अब देखो भाई, अगर मैं इसमें से 8 माइनस कर देता हूँ, 8 माइनस कर देता हूँ, 8 माइनस किया, तो ऐसा क्या आ रहा है कि क्या 8 माइनस होने पे 8 बच जाएगा, 8 8 8 के लिए कोई है, 8 4 H है, कोई सभी नहीं है। अब हमें कुछ और लॉजिक लेके चलना पड़ेगा, कैसे लॉजिक लेंगे ध्यान से देखिएगा भाई। पी 16, उसमें 7 अगर प्लस कर दिया जाए, 7 अगर मैं प्लस करूँ तो कितना हो रहा है, W हो रहा है, कुछ अंदाजा लग रहा है 7 प्लस होने पे, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कई सारे पैटर्न से हो सकता है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब के है 11 है, उसमें 7 प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 18, 18 क्या हो जाएगा, आर, ये दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हम और भी सॉल्व करेंगे। 7 में 7 प्लस का 14, 14 का क्या होगा, एन, 7 प्लस हुआ,
यहाँ पे 7 प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 11। 11 के लिए क्या होगा कि कौन सा आंसर होगा, थर्ड वाला आंसर होगा। ठीक है भाई आगे बढ़ जाए, ये भी बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा, डिवीज़न से चेक करूँगा पहले और चौथे वाले ऑप्शन को, क्योंकि इसमें क्या है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से चेक करना है। ठीक है यही एक्सचेंज हो रहे हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में देखो भाई, पहले वाले में जहाँ पे डिवीज़न है वहाँ पे माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ पे डिवीज़न। देखो भाई 14 है प्लस 12 है या 18 है, देन यहाँ पे माइनस है, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया। ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, 1/2 आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। क्या फ्रैक्शन में है यहाँ पे कहीं पे आंसर? तो पहला आंसर तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमें थोड़ा सा अंदाजा लगाना, सारी चीज़ों को सॉल्व नहीं करके देखना है, हमें सारी चीज़ों को हमें सॉल्व करके नहीं देखना है। अब मैंने बताया था फोर्थ वाला, क्योंकि भाई डिवीज़न मैंने पकड़ लिया सबसे पहले, डिवीज़न देखूंगा मैं। ठीक है बाकी बचे हुए देख लेंगे, एक उसमें और चेक करना है, नहीं होगा तो फिर। अब देखो भाई यहाँ पर डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्या होगा, डिवीज़न होगा। तो देखो भाई 14 + 12 / 18 × 6 -12। देखो है ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 3 है, ये कितना है, डिवाइड हो गए 2 होगा, 14 + 4 - 12 = 18, -12 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हुआ, फोर्थ वाला ही आंसर हुआ, 6 आ रहा है तो 6। ठीक है बिल्कुल। अब अगले वाले प्रश्न में आ जाओ, ये भी सीरीज़ बहुत बेहतरीन है भाई। प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसकी जगह पे क्या आएगा, देखो 1 है, देन 2 है, देन 3 है, 6 है, देन 21 है, देन क्वेश्चन मार्क है, फिर 445 है। अब देखिएगा भाई यहाँ पे 1 × 1 प्लस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2, फिर 2 × + 2 कर दिया जाए तो 2 × 4 + 2 = 6, फिर इसके बाद 3 से 3 + 3, देन यहाँ पे 4 + 4 तो भाई 21 × 84 + 4 = 88। 88 वाला, 88 क्या है, सेकेंड वाला आंसर है, 88 क्या है, सेकेंड वाला आंसर है। बात समझ में आ गई भाई, अगले वाले पास जो भाई, अगले वाले प्रश्न पे भाई कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जैसे जिस प्रकार युद्ध विनाश से संबंधित है, वैसे चक्रवात किससे, तबाही से। चक्रवात से क्या होता है, तबाही आती है, तूफान बिल्कुल नहीं, आंधी बिल्कुल नहीं, चक्रवात से। लेकिन मेन चीज़ क्या आती है, आउटकम क्या निकलता है, आउटकम युद्ध से विनाश होता है ना, उसका रिजल्ट पता है। ये रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं, युद्ध का रिजल्ट क्या है, विनाश है, तूफान नहीं है, हवा नहीं है, ये साथ में आते हैं उसके। लेकिन तबाही क्या आती है, रिजल्ट है। ठीक है आगे आ जाओ भाई, चार अक्षर दे रखे हैं, चार अक्षर समूह दिए गए हैं, और तीन किसी न किसी प्रकार से एक से समान होंगे और एक भिन्न होगा, तो वो भिन्न वाला ये है। ये तो भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से आता है भाई, ठीक है ना। कौन सा प्रश्न है, 10th है। 10th में क्या है देखिएगा भाई, अगर इसमें से यहाँ पे जाएगा एफ है, तो माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 6 है, ये बी है 4, तो -4 हुआ, ये कितने से 4 होगा, माइनस होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस हो रहा है, 2 हो रहा है। यहाँ से यहाँ डी से एक्स पे जाना है तो कितना होगा, डी से एक्स पे जाना है तो -6 हुआ, ठीक है ना, -6 भी हो सकता होगा, -6 अगर डी से माइनस पहले 4 हो जाएगा, ए आ गया, फिर जेड पे आ जाएंगे, 2 माइनस करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो अब इस पे आ जाओ, एच वाले पे -4, एच से डी हुआ -4, ये 8 होता है, ये 4 होगा,
एफ फॉर फिक्स, फिक्स से मेरा 2+ हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे भी -6 हो रहा है ना। सिक्स एफ, एफ बराबर 6 है, 6 से माइनस करोगे तो जेड पे आ जाओगे। अब इस पे आ जाओगे, इस पे भी क्या है T20, और इस पे P कितना है 16 है, तो इस पे भी -4 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है P से, और यहाँ पे -6 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा भाई, फोर्थ वाले ऑप्शन में, फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है बस। एस जो है, एस को क्या कहते हैं हम, 19 कहते हैं, और एन है 14, तो यहाँ से माइनस की गैपिंग कितनी आ रही है, -4, 5 आ रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न में पढ़ें, अगले प्रश्न में, इस वाले प्रश्न में देख ही लीजिएगा भाई, बस आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा, नंबर पता है ना आपको, क्या है इसका नंबर पता है, तो आपको हर एक चीज़ आ रही है ना। अगर नंबर नहीं पता है, अल्फाबेटिकल सीरीज़ के नंबर नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, प्लेसेस नहीं पता, रैंकिंग नहीं पता इनकी, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ये है, अब इसमें कह रहा है कि भाई इसका क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा भाई, ये है, ये किसका स्क्वायर रूट है, 16 का, 16 का है स्क्वायर रूट, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ 13, तो इसका मतलब क्या, 3 माइनस हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, 676, ये किसका होगा, 23 का, 26 का होगा, कितना होगा, 26 का होगा, लेकिन 3 माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 26 भी ऑप्शन में है, ये भी गलत कर देंगे, क्योंकि 3 माइनस करने के बाद आएगा, तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला होगा। बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स याद रखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स याद रखोगे तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, रॉकेट है, रॉकेट को क्या कर दिया है, जैसे ROCKET रॉकेट है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, BNQSDJ। अब इसमें है भाई, मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। अब देखो, सी से एक कम हुआ तो माइनस हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ भी माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, इंडिविजुअल तीन तीन माइनस ये हो रहे हैं। ये आपने पढ़ा होगा अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, ना तो मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा बोलोगे तो, या करवा ही देता हूँ मैं, आप देख लेना उसमें, ठीक है, सब में एक एक कम हो रहा है। ऐसे ही नोटिस है, नोटिस NOTICE, नोटिस, नोटिस के लिए क्या है भाई, पहले तीन में, देखिएगा भाई इसमें क्या है भाई, दोस्त मेरे, इसमें एक एक माइनस होंगे, तो टी से एक माइनस हुआ, 20 से एक माइनस हुआ, एस, एस कौन से वाले में, इन दोनों में है, तो मतलब ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इन दोनों में ही है, इन दोनों में है। अब देखो एस, अब यहाँ से एक कम करो, एन, एन में से एक कम कर दो, एन में से एक कम कर दो, तो क्या आएगा, एन है तो यहाँ पे एम आएगा, तो एम इसमें भी है, इसमें भी है, अब लेकिन मिडिल वाला चेक कर हो जाएगा, ओ में एक कम करो, ओ में एक कम करेंगे तो एन आएगा, ओ में एक कम करेंगे तो एन आएगा, तो कौन सा आंसर हुआ, थर्ड वाला आंसर हुआ, फोर्थ वाला भी गलत है, ठीक है, थर्ड आंसर है। बात समझ में आ गई, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आगे करने की, एक एक माइनस कर दिया हमने, इसी से ही पता चल गया, आपको पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, इसमें भिन्न कौन सा है, चार चीज़ें दे रखी हैं, न्यूमेरिकल चीज़ें हैं, और उसमें सबसे अलग क्या है, सबसे अलग क्या है, देखो भाई, अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको देखूं, तो एक तरीके से मैं अगर 2 की पावर 7 लिखूं और उसमें एक कम कर दूं, तो 100,
28 माइनस 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 127 होगा, 127 होगा। ये बात समझ में आ रही है। इस वाले में देखो, इस वाले में देख लो, ये किसका है, 2 की पावर 12 कर दो, माइनस 1 करो तो कितना हो जाएगा, 496 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4096, तो 4095 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 की पावर 8 कर दो और माइनस 1 करो तो ये कितना हो जाएगा, 256 माइनस 1 255। बट ये जो है ना, ये 2 की पावर कहीं भी नहीं आ रही, तो इसमें यही लॉजिक है कि भाई दो की बाकी सारी चीज़ें 2 की पावर n में आ रही थी और माइनस 1 हो रही थी, इसमें ये नहीं हो रही। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था या माइंड गेम लगाने वाली चीज़ें थी, ठीक है, और कुछ नहीं। आगे बढ़े। अब देखो भाई, बहुत आसान है, बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ पुरुष, जो पुरुष है ना, कुछ पुरुष एथलीट हैं, कुछ पुरुष मेल को M दे दूंगा और एथलीट को A, कुछ मेल एथलीट हैं, मेल है और एथलीट है, कुछ भी एथलीट गायक नहीं है, कुछ भी एथलीट गायक नहीं है, एथलीट से कोई लेना देने नहीं है सिंगर का, गायक को मैं क्या दे रहा हूँ, सिंगर और एथलीट को ए, सभी गायक नृतक हैं, नृतक को मतलब डांस डांसर और गायक को सिंगर, सभी सभी गायक नृतक हैं, तो मतलब क्या है, ये किसके अंदर आता है, ये आता है डांसर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ भी नृतक एथलीट नहीं है, कुछ भी, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी नृतक, कोई भी नृतक एथलीट नहीं है। अब देखो, नृतक कहाँ, डांसर यहाँ पे, और नृतक एथलीट यहाँ पे नहीं है, इससे कोई लेना देना है नहीं, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा इससे, ठीक है ना। ठीक है, अब अगले वाला, कुछ गायक पुरुष हैं, कुछ गायक पुरुष हैं, गायक सिंगर और पुरुष यहाँ पे मेल, यहाँ से कोई संबंध है इनका, नहीं है, बिल्कुल भी संबंध नहीं है। कुछ कुछ पुरुष नृतक हैं, कुछ पुरुष मेल एंड फॉर डांसर, डांसर यहाँ है, मेल यहाँ पे है, तो कोई भी नहीं है, मतलब इसमें कौन सा आंसर हुआ है, इसमें कोई सा भी नहीं आंसर है, इसमें कोई सा भी आंसर नहीं है, ठीक है, बस ये वेन डायग्राम से कर सकते हो क्वेश्चन, बहुत आसान है। अब बहुत आसान है क्वेश्चन, पढ़ते पूरा पढ़ो या ना पढ़ो, इस पूरी लाइन को पढ़ो या ना पढ़ो, वैसे मैं कहूँगा लंबी लाइन मार लेना फटाफट, पढ़ना बेसिक नहीं, शब्द बाहर ना निकले, ऐसे बस देख लेना क्या है। देखिएगा भाई, स्वेटर ऊन, तो मतलब जो ऊन से प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो स्वेटर है, तो कांच से जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो क्या है, प्रिज्म है, बस यही आंसर है, और कोई कुछ भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई, इसमें क्या कह रहा है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और 1 भिन्न है, उन भिन्न शब्द का चयन कीजिए, भिन्न शब्द का क्या करना है, चयन करना है। देखो, मंत्री है वो राजनेता है, होगा राजनेता है, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी से किसी ना किसी, मेयर भी पॉलिटिकल पार्टी से राजनेता होगा, लीडर होगा, राजनेता, मैं ये भी राजनेता ही होता है ना, बट ये क्या होता है, ये राजनेता पॉलिटिक्स नहीं करता, ये पॉलिटिकल नेता नहीं है, इसलिए ये भिन्न है, ठीक है। आ जाओ भाई इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है, देखो भाई कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हैं, 20, 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 4 के पेयर बनाओ या 5 के बनाओ, तो 4 के बनाते हैं सबसे पहले,
चार का बनाया, चार का बनाया, चार का बनाया, चार का बनाया, तो बन गए। अब देखो भाई, के बाद सी, एल ओ ओ एल, कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इस चार को छोड़ेंगे। अब हम किसे बनाएंगे, पांच से बनाएंगे। जब हमें लॉजिक समझ में ना आए तो हम किसे बनाने लग जाएंगे भाई, पांच से। किसे बनाएंगे भाई, पांच से। देखिएगा भाई, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, दो तीन। अब देखो भाई, के है, देन एल है, देन एम है, देन ओ है। अब यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्या लगा, यहाँ हमें नहीं पता, यहाँ पे भी ओ है और यहाँ पे भी ओ है। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। तो अब देखो मिड में कौन कौन से ओ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, मतलब चारों है अभी। देखो भाई, थर्ड वाले में देखो, क्यू है यहाँ पे, यहाँ पे भी हमें नहीं पता, यहाँ पे भी क्यू है। तो यहाँ पे भी क्यू फिल करो और यहाँ पे भी क्यू फिल करो। तो भाई क्यू ये था और इसमें यही, ये वाला आंसर गलत हो गया। और क्यू वाला सिर्फ यही है, ये है, ये तो गलत थे ही क्योंकि स्टार्टिंग में क्यू नहीं है। तो कौन सा आंसर हुआ, यही हुआ। तो हम फिल कर देंगे आगे, फिल करने का मन के सी आ जाएगा यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एम। तो क्या आया, क्यू ओ क्यू सी एम, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको। देखिए ये क्या है, जल प्रतिबिंब का नहीं है भाई, क्यों बता रहा हूँ मैं, जल प्रतिबिंब, ये दर्पण भाई। इस बार जल प्रतिबिंब का एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी वाटर इमेज का एक भी नहीं क्वेश्चन है, ओनली मिरर इमेज का। और मिरर इमेज का क्वेश्चन रिपीट हुआ है बस हर बार, ये तो लट्टू वाले नंबर दे के जा रहे हैं। मिरर इमेज में देखिएगा भाई, हमें पता है लेफ्ट का क्या होता है, राइट होता है, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं, लेफ्ट का राइट। अब देखो भाई, ये लेफ्ट साइड में ये है, इधर ऐसे है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब सर्कल ये यहाँ पे, अगर मिरर में देखा जाएगा, मिरर में देखा जाएगा अगर इसको, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ इस साइड में दिखेगी। तो ये कहाँ पे, ये वाला तो है ही नहीं, इसको हटा दो क्योंकि इसी साइड में दिख रही है। अब ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे। तो लाइन कैसे आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए ना, ऐसे ऐसे। तो कौन से, ये आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, लाइन से पता नहीं चला, बच गया भाई। अब देखो भाई, अब तीर जा रही है, अब तीर, ये भी लाइन यहाँ से देख लो, ये सर्कल है ना, तो सर्कल क्या बनना चाहिए, दूर बनना चाहिए, सर्कल पास में बन गया, ये भी गलत है। सर्कल दूर तो बना है बट ये यहाँ पे आना चाहिए ना, ये वाला क्वेश्चन ये। तो अब यहाँ से ये वाली चीज़ें जो गड़बड़ कर दी, इससे ऑप्शन एलिमिनेट हुआ और इससे भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब देखो भाई यहाँ पे ऑप्शन कैसे, ये एरोज़ ने ऑप्शन एलिमिनेट करवा दिया, एरो। अब यहाँ पे दूसरे वाली लगेंगी तो कौन सा होगा, ये वाला, कि एरोज़ ने। देखो यहाँ पे जो एरो है, ये वाली ऐसे है, ये वाली ऐसे है, एरो, एरोज़ ने। तो हमारा आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला होगा, ठीक है। लेफ्ट राइट ये ध्यान में रखना, टॉप बॉटम सेम रहेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई डिक्शनरी वाले सीक्वेंस में बताओ, अंग्रेजी के शब्द को उसमें कैसे क्या होता है सीक्वेंस से। देखो भाई, सी 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 हटा दो भाई, सी सी हटा दो, ई ई हटा दो, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे करना होता तो मैं आर आर हटा दो, जो कॉमन है स्टार्टिंग पे, हटा होगा ही फटाफट, टाइम नहीं है। अब ई है और इसको, इसमें कंपैरिजन, ई ई में देखूंगा और इसमें ई के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है इसमें और यहाँ एम आ रहा है। तो कौन सा सबसे पहले होगा, टू होगा, ठीक है ना। टू कौन से में, इन सब में है, अभी एलिमिनेट कर देंगे, ये टू हट गया। अब हम इसके बाद जस्ट हमें क्या लिखना है, फोर लिखना है। टू के बाद फोर कौन से मार रहे हैं, किसी में नहीं आ रहा है, ये सारे ऑप्शन गलत हो गए यहाँ पे, बस और श्योर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन एक बहुत बड़ा ट्रिक है इन सब क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आगे बढ़े भाई।
अब इसमें क्या कह रहे हैं, दी गई सीट को मोड़ कर घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में निम्न में से कौन सा संख्या युग्म विपरीत फलक में, संख्या युग्म दे रखा है, संख्या युग्म नहीं अक्षर दे रखे। हाँ तो अब एक बात बताओ, ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है कि नहीं है? ओपन डाइस का क्वेश्चन है ये, ओपन डाइस का क्वेश्चन है ये, खुला पासा का क्वेश्चन है ना। देखिएगा भाई, कौन किसका अपोजिट होता है, एम है जो, एम किसका अपोजिट होगा क्यू का, एम अपोजिट को ऐसे लिख देंगे एम क्यू का। आर किसका होगा, ओ का। आर किसका होगा, ओ का। और एन किसका होगा, पी का। एन किसका होगा, पी का। तो अब देखिए भाई, कौन कौन सा कभी भी सेम अपोजिट वाले एक साथ में नहीं आएंगे, तो एम क्यू एक साथ में नहीं आएंगे, एम क्यू एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। आर ओ एक साथ नहीं आएंगे, और ये क्योंकि सामने नहीं दिखेंगे, तो इसमें क्या करें कि दो विपरीत वाले साथ में हैं, जो विपरीत वाले हैं, तो कौन से दो विपरीत वाले हैं, ठीक है ना। एम एम क्यू कहीं पे दे रखा है, एम के साथ में पी दे रखा है, तो इसलिए गलत है। एम के साथ में क्यू होता ठीक हो जाता है। एन के साथ में पी, एन के साथ में पी, एन के साथ में पी है, एन के साथ में क्यू है, तो इसलिए गलत हो गया। अब क्यू क्यू के साथ में पी है, तो क्यू के साथ में पी का क्या लेना देना, क्यू के साथ में एम होता तब ठीक होता। तो कौन सा आंसर हुआ, पहला वाला आंसर हुआ, ठीक है। कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा जानते रहो, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई भी नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, 22 है, 22 में से 17 माइनस कर दो। इस वाले क्वेश्चन में 22 में से 17 माइनस करा तो कितना आया, 5 आया। और 31 में 17 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 31 में 17 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। अब देखो भाई, इसमें 17 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई लॉजिक नहीं। इसमें से 17 नहीं, 18 में से 23 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव चाहिए नहीं, नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव नहीं चाहिए, ये इसलिए गलत है। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9, सेकेंड वाला ऑप्शन कह रहा हूँ मैं, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, और 25, 7 नहीं चाहिए हमें, 5 चाहिए ना, 16 आएगा, तो ये भी आंसर गलत हो गया, ये भी वाला सेकेंड वाला भी गलत हो गया। थर्ड को चेक करो, थर्ड वाला सेकेंड वाला भी गलत हो गया, तो अब हमें थर्ड चेक करना पड़ेगा मजबूरन, क्या थर्ड चेक करना पड़ेगा, 31 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 5, कितना आया भाई, 5 आया। और 40 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा, तो कौन सा आंसर होगा, थर्ड वाला आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े भाई, पेपर फोल्डिंग का बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर फोल्ड कर दिया गया ऐसे है, देन ऐसे, और फिर इसके बाद रोल कर दिया गया, तो इसको भाई यहाँ से ऐसे फिगर पूरा करेंगे, देन यहाँ से ऐसे लाइक दिस, यहाँ पे 0 और ये रहा ऐसे। ऐसा कौन सा है भाई, ऐसा ओनली वन, ये भी नहीं है, यहाँ पे बंद होना चाहिए था, ये तो भाई पूरा है, ये पूरा कोना, इसलिए कोने ये वाले गलत हैं, ये ऐसे चाहिए था, ऐसे वाला लाइक दिस, ये कौन सा हुआ, पहला ये वन आंसर हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे होता तब ठीक होता है, ये वाला यहाँ पे गलत हो गया, थर्ड वाला, ठीक है। तो पहला आंसर होगा इसका, ठीक है। अगले वाले माजू भाई, शनि ग्रह और कैडमियम, तो भाई शनि ये ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रह के अंदर क्या है, एक शनि ग्रह है, और ये क्या है, कैडमियम एक अलग चीज़ है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, नंबर ऑफ ट्रायंगल को काउंट करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करना है, तो सबसे पहले भाई क्या है, देखो भाई, वेट अ मिनट, देखिए भाई, एक और दो, एक
दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे तीन। एक ऐसे बड़े वाले में देखा जाए, अगर मैं बड़ा देखूँ, इसको हाईलाइट करके समझाता हूँ मैं, हाईलाइट यूज़ करके, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, कहाँ गए यार, पीले वाले को यूज़ करो, इसको वाले को देखूँ मैं ऐसे, और ये रहा, ये भी तीन हो जाएगा, प्लस तीन, ठीक है। देन ऐसे नीचे वाले में भी तीन होगा, देन ऐसे नीचे वाले में भी तीन होगा, तीन प्लस तीन, ये हो गया नौ। नौ हो गया एक। अब इनको हमने क्या कर देना है, इरेज कर देना है। अब हमने क्या करना है, इसको इरेज कर देना है, हमको क्या करना है, इरेज कर देना है। तीन प्लस तीन नौ हो गए, यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। ये तो नॉर्मली आ गए हमें, लेकिन एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के वही होते हैं जिनको दो को ज्वाइन कर रखा है। इसके लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं काउंटिंग ऑफ करके, बहुत अच्छे से मैंने करवाया है और कम टाइम में करवाया है, और उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक ये, एक दो, देन इन दोनों को मिला के दो एक हो जाएगा, इन दोनों को मिला के एक हो जाएगा, एक चार ये हो गए, ये तो छः, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। ये थर्ड वाला क्या हुआ भाई, थर्ड वाला उसका आंसर, ठीक है। और कोई शॉर्ट ट्रायंगल नहीं बनेगा, और जिसने गलती से इसको ट्रायंगल समझा था भाई, वो मामूरख है। यहाँ पे कितने हैं, कितने वर्टिसेस हैं, चार हैं, और ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं, तीन होते हैं, बस यहाँ से देख लेना। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, पहला वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, मज़ेदार है ये लास्ट, सॉरी लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला बहुत कुछ, ये मस्त है, मज़ेदार है। आर ई एफ यू एस ए एल, ये इसका 100 दे रखा है। अब 100 कैसे आया, सबसे पहले देखो आर है, आर है, आर 18 पे है, तो इसका रिवर्स क्या होता है, 8 होगा, आर का रिवर्स 8 होगा। ई 5 है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, 22 होगा। एफ 6, 6 का रिवर्स क्या होगा, 21 होगा। और इसका रिवर्स कितना होगा, यू का रिवर्स कितना होगा, 6 होगा, बाय यू है 21, 21 का रिवर्स 6, 8, देन 26, ठीक है ना, और देन 15, टोटल हो गए 107। अगर 107 में से 7 माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ऐसे ही अब दूसरे वाले लॉजिक पे आ जाओ भी, हमारे पास क्या है, एस एच ओ आर एन आर टी ई एन। अब देखो भाई इसमें एस है, एस क्या क्या होगा, 8, अपोजिट में देख रहे हैं भाई, रिवर्स वाले में 19, देन ओ का क्या होगा, 12 होगा, आर का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, वेट अ मिनट, 9 हो जाएगा, देन 7, देन 22, देन 13, क्योंकि हम इसका सबका रिवर्स पैट अल्फ़ाबेट देख रहे हैं, ये वैसे तो होता है कितना, 19, और 19 में उसका रिवर्स कितना होगा, 8, क्योंकि 27 में से माइनस कर देते हैं रिवर्स निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये 90 आया, इनका सम कितना आया, 90। अगर मैं इसको 7 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 83 आएगा, 83 दे रखा है इसमें, दे रखा है देखो 83, यहाँ पे 100। अब ऐसे ही क्या है, इनर्सिया, आई एन ई आर टी आई ए, ये कितना है, 9, 9 का अपोजिट क्या होता है, 18, एन एन का 14, 14 अपोजिट 13, ई 5, 5 का अपोजिट 22, आर आर का अपो आर 18 है, 18 का अपोजिट 9, टी 20, 20 का अपोजिट 7, और आई 9 है, 9 का अपोजिट 18, और ए का अपोजिट ये है 26, जेड होगा ना एक अपोजिट, ये कितना हो गया, 113, 113 माइनस 7 कितना हो जाएगा,
113 माइनस 7 क्या होगा, 106, 106 यही वाला आंसर है भाई। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, और आपका दिन शुभ हो, वंदे मातरम।